दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ओवरहेड इक्विपमेंट का न्यूट्रल सेक्शन के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जब पावर प्लांट से जनरेट की जाती है तो वह 3 फेज की होती है, जिसमें प्रत्येक फेज के बीच फेज एंगल 120 डिग्री का होता है। पावर सप्लाई की यूटिलिटी इस तरह से की जाती है कि प्रत्येक फेज में इक्वल लोड हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक फेज पर हम लोड को कनेक्ट कर दें और बाकी फेज यूज में ना हो। ऐसा करने से ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड आएगा जिससे वह खराब हो जाएंगे, इसलिए तीनों फेज से थोड़ी थोड़ी दूरी पर सप्लाई लिया जाता है। दोस्तों रेलवे का ट्रैक्शन पावर सिस्टम 25 kV सिंगल फेज पर काम करता है, इसलिए तीनों फेज पर लोड को बराबर करने के लिए प्रत्येक फेज से थोड़ी थोड़ी दूरी पर सप्लाई ली जाती है। इसके लिए रेलवे के ट्रैक के किनारे सब स्टेशन बनाए जाते हैं जहां पर फेज को चेंज किया जाता है। जिस जगह पर फेज को चेंज किया जाता है वहां दो फेज एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं या डिस्कनेक्टेड होते हैं, जिसे कि ओवरहेड का न्यूट्रल सेक्शन बोला जाता है। यहां पर दो अलग अलग सब स्टेशन से सप्लाई आकर मिलती है। इस पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए लोकोमोटिव की सप्लाई कट हो जाती है क्योंकि दोनों वायर एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। यह न्यूट्रल सेक्शन प्रत्येक 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है और ऐसी प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड की जाती है कि इस पर्टिकुलर जोन में इक्वल ट्रेन इंटर करे ताकि पावर का यूटिलाइजेशन अनबैलेंस ना हो। जब लोकोमोटिव रनिंग कंडीशन में इस डेड जोन को क्रॉस करके लाइव जोन में इंटर करती है तब फ्लैश ओवर होने का चांस रहता है, इसलिए ट्रैक के किनारे न्यूट्रल सेक्शन के 500 मीटर पहले वार्निंग बोर्ड और 250 मीटर पहले फाइनल बोर्ड लगाया जाता है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट और मेन लोको पायलट एक दूसरे को बताकर इन्फॉर्म करते हैं कि लोकोमोटिव को ऑन कंडीशन में न्यूट्रल सेक्शन को पार ना करे और वह लोकोमोटिव को ऑफ करके इस सेक्शन को पार करते हैं। दोस्तों लोकोमोटिव को इस न्यूट्रल सेक्शन पे ट्रिप होना पड़ता है, इसलिए इसे ऐसे लोकेशन पर बनाया जाता है जहाँ ट्रैक पूरी सीधी हो, वहाँ कोई स्टॉप सिग्नल या क्रॉसिंग ना हो या कोई अप ग्रेडियंट या डाउन ग्रेडियंट या कर्व ना हो। न्यूट्रल सेक्शन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल टाइप, दूसरा होता है शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन और तीसरा होता है डायनेमिक न्यूट्रल सेक्शन। अब हम बारी बारी से तीनों को समझते हैं। दोस्तों कन्वेंशनल न्यूट्रल जोन को और अच्छे से समझने के लिए इस ड्राइंग को देखिए। यहाँ पे जो ओएची है उनको 5 पार्ट में बांटा गया है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और ये पांचवा पार्ट। ये जो सेंटर पार्ट है ये इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो है 49.5 मीटर और जो हमारा डेड पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट है वो है 41 मीटर का। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पे ये जो येलो कलर का डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये कोई अलग फेज है जो कि किसी दूसरे सब स्टेशन से आया है, और ये जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन है ये कोई अलग फेज है जो कि दूसरे सब स्टेशन से लाया है। यहाँ पर आके दोनों ये एक दूसरे से पोस्ट किए हुए हैं जो कि डिस्कनेक्ट अलग अलग हैं। जब लोकोमोटिव इधर से चलेगी तो यहाँ से ओएची से कॉन्टेक्ट बनाते हुए यहाँ तक पहुंचेगी। यहाँ तक पहुंचने के बाद लोकोमोटिव जो है डेड कंडीशन में या डेड सेक्शन में पार करेगी। यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं जाता है, मतलब कि यहाँ से जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये, इसके बाद ओएची का जो संपर्क है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये पूरी डिस्कनेक्ट पार्ट है, उसके बाद जब इधर क्रॉस करेगी तो इस ब्लू वाले यहाँ से आकर इस ब्लू वाले सेक्शन में लाइव सेक्शन में ये पहुंच जाएगा, मतलब कि लोकोमोटिव यहाँ इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो बीच की दूरी है ये इतना बड़ा डेड सेक्शन होता है। इस 41 मीटर लंबाई वाले न्यूट्रल सेक्शन का डिजाइन जब 3 लोकोमोटिव को अटैच किया जाता है तब के लिए बनाया गया है। कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन का मेन एडवांटेज होता है कि यह मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि अगर कोई चेन पुलिंग करे या लोको पायलट के मिस्टेक के कारण लोकोमोटिव उस सेक्शन में जाकर रुक गया तो एक दूसरे अलग लोकोमोटिव को लाकर उसे उस जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरा है शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन जो कि 5 मीटर का होता है, जिसमें न्यूट्रल जोन मैकेनिकल कंटिन्यूटी के साथ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं। इस जोन को पार करते टाइम स्पीड रेस्ट्रिक्शन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाती है। दोस्तों हेड ऑफ जनरेशन वाले लोकोमोटिव जो कि ओएची की सप्लाई से ही पावर सप्लाई कोच को देते हैं, जब इस न्यूट्रल सेक्शन को पार करेंगे उस वक्त उसके कोच की सप्लाई कट हो जाएगी।
इसके लिए कोच में बैटरी से या एक्स्ट्रा डीजी के द्वारा सप्लाई को कंटिन्यू रखी जाती है, जिससे एसी कोच में ओनली ब्लोअर और लाइट को चलाया जा सके। इस तरह से आज के वीडियो में आपने जाना कि ओएचई का न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।